बस। और क्योंकि आज का दिन तो हम सुबह बस वहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ आ ही गए थे, और मुझ अभी जब मैं सो के उठा तो मुझे लगा यहाँ होटल में लेटने से बेटर है कि कहीं ना कहीं घूम लिया जाए। तो मैंने अपने इसको गाड़ी वाले को बोला, भाई तू कहीं घुमा ला, बाकी सब तो लोग आराम से सोए जा रहे हैं, मुझे नींद आ नहीं रही थी। मैं आ गया निकल के, तो ये यहाँ यूनिवर्सिटी में ले आया मुझे बस दिखाने के लिए, भाई यही चीज़ है यहाँ, सिर्फ घूमने के लिए और तो कुछ है नहीं। तो मुझे भी ऐसा कुछ दिखा नहीं इस शहर में घूमते घूमते रोड पे कि भाई कोई अच्छी चीज़ देखने को। मैंने इसे टैक्सी वाले से पूछा भी, भाई कोई चीज़ें हैं तो बता दे मुझे। तो उसने बताया कि सारे में मंदिर मंदिर हैं, 3-4 मंदिर और हैं। अब उन मंदिरों में जाते हैं तो फिर वो फ़ोन को बाहर रखवा देते हैं, तो फिर मैं वहाँ पर वीडियो बना नहीं पाऊँगा और वहाँ आपको मंदिर दिखा भी नहीं पाऊँगा, बाहर से मंदिर को दिखा पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि ऐसी जगह ले चल जहाँ एटलीस्ट वीडियो तो बना लें और चीज़ें देख लें। तो उसने यहाँ यूनिवर्सिटी में ले आया, बस ये यूनिवर्सिटी है देखने को इस शहर में और तो कुछ है नहीं। एक दिन में आप पूरा दिन अगर लगा भी लो इस शहर में तो पूरे दिन में सिर्फ आप यूनिवर्सिटी देख पाओगे, और अगले दिन में शक्तिरूमाला चले जाओ दर्शन करने के लिए। इस शहर में कुछ नहीं है देखने के लिए भाई, मेरा तो कुछ समझ में आया नहीं इस शहर में कोई ऐसा कुछ देखने के लिए कि जिसकी वीडियो बना दी जाए और जिसको मैं आप सब लोगों को दिखा सकूं। ये यूनिवर्सिटी का फ्रंट गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं, ये इसका फ्रंट है यूनिवर्सिटी का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो। इस शहर में इस यूनिवर्सिटी के अलावा और कुछ है भी नहीं। हाँ बस ये बिल्डिंग इन्होंने थोड़ी अच्छी बना रखी है, जैसी यूनिवर्सिटीज़ की होती है ऐसी अच्छी बना रखी है। ये कोई भाई साहब खड़े, कौन खड़े पता नहीं, मैं तो जानता नहीं इनको। ये कोई होंगे कोई हिस्ट्री के कोई प्रोफेसर पुराने, तो इसलिए इनको यूनिवर्सिटी के गेट पे फ्रंट गेट पे लगा दिया इन्होंने। तिरुपति यूनिवर्सिटी, हाँ तिरुपति यूनिवर्सिटी नाम इसका, तिरुपति यूनिवर्सिटी है। बाकी यूनिवर्सिटी खुल तो गई है क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं घूमते हुए, शायद कोविड के बाद से अभी खोली होगी यूनिवर्सिटी, तभी इतने स्टूडेंट घूमते हुए नजर आ रहे हैं, या हो सकता है पहले भी खोल दियो क्योंकि हमारे उस तरफ तो अभी इतनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले नहीं है, स्लो स्लो खोल रहे हैं, और खोल भी रहे हैं तो फिर दोबारा वो एमिक्रॉन का ड्रामा करके हो सकता है दोबारा बंद ही कर दें। तो ये तो खुली है, तो मैंने आपको दिखाया इस यूनिवर्सिटी को। बस जी और कुछ नहीं है अभी शहर में दिखाने को आपको, मैं और कुछ इस शहर में दिखा पाऊँगा आपको। अब चलते हैं वापस यूनिवर्सिटी से बाहर, कुछ और देखने को मिल जाएगा। इसको बोलूँगा भाई ड्राइवर को कुछ और देखने को दिखा दे, और कुछ हो तो। भाई अभी क्या करा, शाम को फिर निकल आए फ्रूट लेने के लिए। पहले वो गोलगप्पे ले आया था, मंत्री जी बोले गोलगप्पे खाने नहीं है, फ्रूट लेके आओ। तो अब फिर ये लोकल मार्केट में घूमना शुरू कर दिया, कहीं मिल जाएंगे तो फ्रूट वो ले लेंगे। पूछ विशाल है तो कुछ फ्रूट मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे। और विशाल पूछ रहा है उससे दुकान वाले, सेकंड लैप बोल रहे हैं कि सेकंड लैप में मिलेंगे। विशाल पूछ के आया कि इससे कहाँ मिलेंगे, और सेकंड लैप बताया उसने, अभी देख लेते हैं वहाँ पे मिलते हैं या नहीं। मिलते हैं। हमें तो टारगेट है पपीता अमरूद लेके जाने, पपीता अमरूद सेब और केला, चार चीज लेके जानी है। और आपको भी लेनी है तो आ जाओ हमारे साथ। कोई भाई ये पूरा शहर घुमाया मैं, पूरे शहर में मुझे तो कुछ देखने को मिला नहीं एक यूनिवर्सिटी के अलावा। वो टैक्सी ड्राइवर मुझे यूनिवर्सिटी में ले गया था, यूनिवर्सिटी दिखा के लाता हूँ आपको। बस वो ग्रीनरी हो रखी थी यूनिवर्सिटी में, बस वही, उसके अलावा मुझे तो कुछ देखने को मिला नहीं इस पूरे शहर में। ज़्यादा बड़ी सिटी भी नहीं है, बट अगर मैं ब्रांड्स की बात करूँ तो ब्रांड तो सारे मैंने देखने को मिले हैं, मैकडोनल्ड भी है, KFC भी है। खाने के ब्रांड्स की बात करें, और जो सबसे पहला रोबोट का एक रेस्टोरेंट खोला है इन्होंने, जहाँ आपको जो वेटर्स हैं वो रोबोट हैं सारे, आपको जो खाना सर्व करेंगे वो रोबोट सर्व करेंगे। ये अपना सबसे पहला रेस्टोरेंट ऐसा खुला है, तो वो भी मैंने देखा था रास्ते में, बट मैं गाड़ी में था उसकी वीडियो नहीं बना पाया। अगर रात को डिनर करने उधर गए, कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ कि डिनर करने वहाँ जाएंगे तो वो उसकी भी वीडियो बना लेंगे, वो मैं आपको दिखाई दूंगा। भाई सेकंड लेफ्ट तो आ गया,
इससे अगले वाला है क्या? फ्रूट मार्केट क्या? फ्रूट मार्केट नहीं पता। आ जाओ आगे बता, पता नहीं फिर इन्होंने आगे बता दिया। कितनी आगे जाके फ्रूट मार्केट है? बता दिया कि आगे जाके फिर लेफ्ट हो जाओ। इतनी आगे जाके कहाँ लेफ्ट होंगे? पता ना, दीवार में थोड़ी पड़ेंगे। पता ना, बता तो रहे हैं, ढूंढ लेते हैं, कहीं मिल जाएंगे तो। टारगेट ही हुआ है कि भाई पपीता अमरूद लेके ही जाने हैं तो ढूंढ ही लें। नहीं लेंगे भाई तो हमारी एंट्री नहीं है। एंट्री फिर विशाल सुनने को मिलेगा, मुझे तो मिलेगा नहीं कुछ सुनने को। भाई रोड पे घूम रहे हैं फ्रेंड स्टार, ढूंढते हो फ्रूट्स। जहाँ होटल है वहाँ तो मुझे फ्रूट मार्केट दिखाई नहीं दी, कहीं आगे देखने को मिल जाएगी तो ले लेंगे। भाई वही वॉक कर रहे हैं, ये सारी लोकल मार्केट ही है छोटे रंग की। ये बस चल तो रहे हैं, ढूंढ ही रहे हैं, कहीं मिल जाएंगे तो। ना यहाँ पागल ना बना रहे, मुझे लग रहा है कहीं आगे जाके शायद मिल जाएंगे फ्रूट्स। पर इनके समझ में आ रहा है फ्रूट्स ही मांग रहे हैं। मांग ये मुझसे पूछ रहा हूँ, खाली चाहिए भाई? खाली में खाना होता है, फ्रूट्स अलग होते हैं। ये मंदिर जगह जगह मंदिर है, देख सकते हो आप, जगह जगह मंदिर है। इस शहर में मंदिरों के अलावा कुछ भी नहीं है, पूरे शहर में मंदिर ही मंदिर है। इतने मंदिर बनाए हुए हैं, फिर इसने बता दिया भाई ने स्ट्रेट जाके सामने मिल जाएंगे। भाई मजा यार हो घूमने में। होटल में बैठ के क्या करते, खाली बैठ रहे थे होटल में। तो मान्य विशाल जी, जी क्या अंदाजा, फ्रूट मिलेंगे ना मिलेंगे? फ्रूट जरूर मिलेंगे, थोड़ी आगे जाके नहीं मिले तो आज लेके जाने हैं। ये बोल तो रहा था आधा किलोमीटर, हम तो 1 किलोमीटर पहले चले आए भाई, भी 1 किलोमीटर चल लिए हम पहले। लेकिन बट मिल जाएंगे, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, आप मत चिंता करो कि हमें मिले ना, वो हम ले जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है आपकी। फ्रूट तो ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं फ्रूट तो ढूंढ ही लेंगे। नहीं लेंगे तो फरीदाबाद में जाके ले लेंगे। अभी चाहिए खाने तो, अभी है फरीदाबाद, थोड़ी खाने 2 घंटे की फ्लाइट करो आगे चले जाएंगे। बहुत भाई फरीदाबाद तो कल की फ्लाइट है, कल वापस जाना। पर अभी तो हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि अभी फ्रूट मिल जाए शाम को खाने के लिए। अभी मेहनत करेंगे तो फ्रूट नहीं मिले तो फिर क्या फायदा है इतना। 100% वो लग रहा है मिल जाएंगे, इतनी देर तक घूम रहे हैं। हमारे बड़े भाई आपको मार्केट दिखाएंगे भाई, थोड़ा लोकल मार्केट। भाई ये केला तो केले तो वहीं मिल रहे थे हमें, इनका देखे हाँ है तो भाई यहाँ के पास मिल जाएंगे केला सेब। भाई एक दुकान मिल तो गई है बहुत देर मेहनत करने के बाद, पर मुझे पपीता ओ रे आगे देख आ गए हैं सर पपीता, मुझे आ जा पपीता मुझे दिख रही है, उसको शायद आगे मिल जाए पपीता। ले भाई ये सारी फ्रूट की शॉप है, इधर भी देख, इधर देख सारी फ्रूट की शॉप ही, अब तो मिल गई, अब तो फ्रूट ही फ्रूट मिल गए, अब तो शायद मिल भी जाएंगे। बस मेन कहा है पपीता मिल जाएगा भाई, पपीता ही रहा पपीता नहीं मिला तो फिर कोई फ्रूट नहीं लेंगे भाई, पपीता लेना ही भाई। पपीता आएगा पपाया नहीं है, कहाँ मिलेगा, कितना आगे, कितना आगे उधर पपीता ना आगे पपीता मेन तो भाई इसने और आगे भेज दिया, कर आगे देख लो कहीं और आगे मिल जाएगा पपीता, इसके पास भी ना है। मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, मिल को आ जा भाई, मिल को मामा आप एक्सपीरियंस ज्यादा है, आप देखिए क्योंकि मिलो भाई पपीता मिल तो गया मामा फाइनली। कितना रुपए केजी? 40 रुपए कितना? 40 रुपए किलो 40 रुपए केजी मामा देखिएगा मीठा तो एक मीठा सब मामा देख लो कोई मीठा तो
निकलवा दोनों कोई मीटर आके, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस ना हूं, मामा निकालेंगे और ले लेना और कुछ। ये तो किन्नू है, हां भाई फ्रूट्स तो मिल गए। अब फिर हम ना जूस पीने की तैयारी में, ये पता नहीं किस तरह जूस बना रहा है, भाई को दिखाता हूँ मैं आपको। ये मुझे तो लग रहा है स्मूदी बना रहा है, फ्रूट्स की स्मूदी बना रहा है जूस की जगह। फ्रूट्स नहीं मिलते तो फिर हम जूस भी नहीं पीते, मजे ले रहा है भाई। फ्रूट्स क्यों ना मिलते, जब पूरी मार्केट ही ढूंढ मारी तो फ्रूट्स तो मिलने ही मिलने, फ्रूट्स कहाँ जाते। पर अब मुझे ये लग रहा है ये स्मूदी बना रहा भाई, ये जूस ना बना रहा, देख रहा तू वो सारे फ्रूट्स काट काट के ना ये मिक्सी में डाल रहा है, ये स्मूदी बनाएगा ये। हाँ स्मूदी बना रहा है ये। फाइनली एयरपोर्ट पे आ गए हैं, 12:40 हो चुके हैं, फ्लाइट है ही 2 बजे की, 2:15 की। पर अभी एयर इंडिया में मैंने बात करी थी तो एयर इंडिया वाले बता रहे हैं कि आपकी 30 मिनट फ्लाइट लेट है। ओके मेरे साथ पिताजी उमा शंकर जी और अंकल चहल, भाई नंदू, हम 5 लोग गाड़ी में, बाकी अलग अलग सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में, 5-6 गाड़ियाँ थी टोटल हमारे पास। और अभी हम जस्ट बस डिपार्चर पे पहुँच गए हैं एयरपोर्ट के। फाइनली आ गए एयरपोर्ट पे, आ जाए फाइनली एयरपोर्ट पे आ गए और अब वापस जा रहे हैं। सवा एक हुआ है, जो फ्लाइट का टाइम है वो 2 बजे का था, अभी 2:55 दिखा रहा है क्योंकि मुझे दिल्ली में फॉग बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से डिले हो गई है फ्लाइट। और धीरे धीरे पता नहीं अभी एस्टिमेट टाइम आया तो पता लगेगा कितनी डिले फ्लाइट हो चुकी है। ये हमारे बाबा है, क्या भूल गए? अरे यार सुन के बैठ जा, क्या क्या भूल गए? अरे जवाब थी नहीं तू कहां आई ये नहीं मेरी वहां कहां भूल गए जवान देगी जब बोली चीज सब की छोड़ दिया एयरपोर्ट पापा है। ये हमारे बाबा है, मैं उनसे प्यार करता हूं। गधा भाई वापसी तो एयरपोर्ट पर आ गए। हमारी फ्लाइट है 4 बजे की, बट क्या करें 4 बजे की थोड़ी हमारी फ्लाइट, तो भाई 2:55 पे शो कर रही है क्योंकि 2:15 की फ्लाइट थी तो शेड्यूल टाइम 2:55 शो कर रहा है। अभी पता नहीं है कि वो टाइम पे अभी भी टाइम पे है नहीं है, दिल्ली में इतनी ज़्यादा फॉग हो रखी है भाई, उसकी वजह से ना सारी फ्लाइटें डिले, टोटल फ्लाइट डिले। और एक बहुत ही बड़ी जो जैसे समस्या कह सकते हो, आपको समस्या क्या कह सकते हो, मतलब मैं आपको इस एयरपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। जो तिरुपति एयरपोर्ट है ना, इसमें क्या हो रखा है कि अगर आप बिजनेस क्लास भी कराओगे तो आपको कोई लॉन्ज नहीं मिलेगी इस पूरे एयरपोर्ट पे, कहीं भी कोई लॉन्ज नहीं है जैसे बेटर बिजनेस, इससे बेटर बिजनेस करना है। मामा जी क्या बोल रहे हैं, मामा क्या बोल रहे हैं, मामा क्या मेरी फ्लाइट भी डिले है, मामा मेरे साथ ही हो आप, मेरे साथ ही हो, अलग नहीं हो। ये भाई साहब की डिले है, ये आकाश भी डिले है और उसके साथ साथ ये एयरपोर्ट बहुत छोटा है, इसके कुछ भी नहीं है हमारे को करने के लिए, पता नहीं हम 1.5 घंटा कैसे पास करेंगे। एक और बुकिंग रूम बंद पड़ा हुआ है, कोई अच्छा कैफेटेरिया नहीं है, एक और नहीं है, नथिंग फॉर एंटरटेनमेंट, नथिंग फॉर शॉपिंग। और एक दूसरी मुश्किल है कि घंटा है टाइम कैसे। और एक दूसरी बात है, उमा शंकर जी भी आ गए हैं, ये भी हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, ये आप एयर इंडिया हमारे साथ ही ना एयर इंडिया में? हाँ जी हाँ जी। बस वो आकाश जी की अलग फ्लाइट है, आकाश जी उसमें है। नहीं नहीं मैं भी एयर इंडिया। हाँ आकाश जी भी एयर इंडिया में है। एयर इंडिया का बड़ा ही सनकी स्टाफ मिल गया था, इसने जबरदस्ती मेरा बैग 2 बार स्कैन करा दिया। हाँ ये जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना इस एयरपोर्ट के बारे में, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और दूसरी बहुत ही बड़ा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस एयरपोर्ट का, इस पे कोई भी लॉन्च नहीं है, किसी भी एयरलाइंस की कोई लॉन्च नहीं है, कोई भी प्रीमियम लॉन्च नहीं है और कोई कैफेटेरिया बहुत अच्छा है ही नहीं। यात्रियों को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, मतलब उमा शंकर जी कुछ भी बोल गए, कोई यात्री को परेशान नहीं किया जा रहा। और एक और अच्छी बात है, ऊपर देखो फैन भाई, सबसे बड़ा जो फैन है ना वो इस एयरपोर्ट पे लगा रखा है। देखो हाँ पोर्ट ब्लेयर पे भी, मामा आप तो पोर्ट ब्लेयर पे गए हो, मामा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर का, मामा पोर्ट ब्लेयर पे भी हो गए हैं। बिल्कुल। फाइनली मैंने क्या किया है, मैंने तो अपनी जो टिकट है वो चेंज करा ली बिजनेस क्लास में, बिकॉज ऑफ माई पॉइंट्स, मेरी और पिताजी की दोनों की टिकट चेंज हो गई बिजनेस क्लास में, कि हमारे मुझे इतने पॉइंट्स मिलते हैं उसको ट्रैवलिंग के ना बिजनेस क्लास के, तो उसकी वजह से मैं तो अपनी चेंज करा लिया। ये देख सकते हो आप, मेरा तो बिजनेस क्लास का बोर्डिंग पास है। नहीं इन चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा मतलब पिताजी, जो जितने लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग करते हैं ना उन सबको तो ये टिकटें चेंज होती हैं, नहीं तो इतने या तो फिर ज़्यादा पैसे देकर चेंज होती हैं, होती कैसे हैं ऐसे, तो हवा में थोड़ी चेंज हो जाती है। तो फाइनली बोर्डिंग पास देके चेकिंग तो कर लिया है, अब
चारों फ्लाइट तक पहले ही डिले है, हाफ एन आवर पहले ही फ्लाइट डिले है। अब पता नहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइंग टाइम भी बढ़ जाए। हाँ हो सकता है फ्लाइंग टाइम बढ़ जाएगा। भूख लग रही है, ज़्यादा लेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं वॉक की जगह रनिंग करनी शुरू कर दी है। तिरुपति जी की तस्वीर लगा रखी है, मैं आगे भी रश है, स्लो स्लो जा रहे हैं लोग। भाई आगे ठीक ठाक रश हो रखा है, अभी धीरे धीरे वो लोग पाइप में जा रहे हैं। मैं तो कोशिश करी थी कि मैं सबसे लास्ट में हूँ, सबसे लास्ट में आते आते भी अभी भी रश है आगे। अच्छी खासी धूप निकल रही है, शाम के 3 बजे फिर भी धूप निकल रही है। वो फ्लाइट हमसे पहले थी, वो भी हमसे हमारे साथ ही मुझे लग रहा है फ्लाइंग करेगी। वो इंडिगो वाली फ्लाइट हमसे काफी पहले थी और वो अभी हमारे साथ ही आ रही है। मैं तो अपनी सीट पे आ गया हूँ, एयर इंडिया की बिजनेस क्लास, मैं तो पहुँच गया अपनी सीट पे। विजय भाई साथ है, पिताजी भी साथ हैं, दोनों सीट पे आ गए अपनी पे और मैं अपनी सीट पे आ गया। भाई फाइनली स्नैक्स भेज दिया और आज तो स्नैक्स में कुछ मुझे लग भी ना कोई ऐसा कुछ है, ये पता नहीं कोई पाव दिए और ये कोई वही जो जब आया था उस दिन वो दिया था, वो सेम ही वो दिए और तो मुझे कुछ नहीं लगा ऐसे कुछ स्नैक्स में ज़्यादा। वो दोनों तो भाई और पिताजी तो लग गए अपने स्नैक्स में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आज क्या दे दिया उन्होंने उठा के। भाई साहब तिरुपति वाला सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया इस सफ़र में, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सबने, इंजॉय किया तिरुपति वाले सफ़र में। और अब बस वापस घर पहुँच जाएंगे, अभी 4:15 हो गए हैं, अराउंड 7:00 तक ये शायद हमें दिल्ली पहुँचा देंगे। और उसके बाद आगे अभी तो मैंने घर पर फ़ोन किया, पता किया है कि वहाँ तो फॉग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी पता नहीं घर तो कितने बजे तक पहुँचेंगे, रात को 10 बज सकते हैं, 11 बज सकते हैं, पर हाँ फ्लाइट लैंड शायद 7:30 और 7 के बीच में कर लेगी फ्लाइट लैंड। बस आप सब ने ये पूरी वीडियो देखी तिरुपति वाली, आप सबको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कनेक्टिंग फ्लाइट थी और अभी क्या हुआ कि जैसे ही हैदराबाद से उठी तो उन्होंने फिर दोबारा मुझे फ्लाइट भी दिए खाने के लिए। ये वाला होटल देखिए और ये कैबिन चिकन है, ये सैंडविच है और ये खीर है, ये सब चीज़ें उन्होंने भी दोबारा फिर दिए खाने के लिए। हाँ आपकी वैसे भी 3:30 घंटे की फ्लाइट थी तो बुक चला गया फिर दोबारा से। बस वापसी आगे बाहर निकल रहे हैं, थोड़ी देर में लगे सब और उठा लें बेल्ट से फिर सीधे बाहर। भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे एक और भी तो कलेस है कि पूरे टाइम मास्क लगा रखना पड़ता है, मास्क ना लगाओ तो चलान टेप दे में ये आज करना टिकटॉक और इन्होंने टिकटॉक सिस्टम कर रखा है आजकल, भाई बिना मास्क के ना 2000 का चालान टिक दे ये बात ही ना करें। चलो जी सामान उठा लो, आगे चलेंगे ना, सामान उठा लेते जाके। अभी तो सारा को सारा कटक दल पीछे आ ही रहे, एक बार ले लूं बाबा, बाबा रुक जाओ 5 मिनट अगर रुक जाओ, अरे बहुत तंग का बाबा के आ जा, आ जाओ कोई ना करा साहब तो आप आ जाओ। भाई अभी जाके मैं वहां पे अपनी वहां पे बेल्ट भी बेल्ट पे वो सीट बैग भी ना उठाना, बेल्ट नंबर 5 पे बोल रहे हैं बैग आ जाएगा, वो बैग उठा ले इतने सारे वहीं आ जाएंगे।
बेल्ट नंबर 5 पे बोल रहा हूँ कि बेल्ट नंबर 5 पे हमें लगेज मिल जाएगा, आ जाओ। सफर तो खत्म हो ही गया है, दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए, अब बेस्ट पे अपना सामान उठा के गाड़ी मंगा ली आपने, ड्राइवर फोन आ गाड़ी अभी की है बाहर, गाड़ी बाहर वेट कर रही है। ले जी वापस दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3, एयर इंडिया वैसे एयर इंडिया की जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट है सारी टर्मिनल 3 पे हमें, टर्मिनल 3 पे तो आ गए जी। वहाँ बैठे बाबा की एड लगा रखी है, ठीक चल रहा है सिस्टम, ठीक एड चेप रखी है उन्होंने। अराइवल न्यूकू है, न्यूकू जाना आ जाओगे, खूब ठीक ठाक टाइम लगाने हैं, स्लो स्लो से जाए, जल्दी चलने तो जल्दी पहुंच जाएंगे आप। शांति है, जा जल्दी आई ना कुछ भाई, ये क्या कह रहे हैं, जितनी बार भी उतरा है ना एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ नया लगाए रखे, इस बार भी क्रिसमस का नया लगा रखे इन्होंने। अभी जब लास्ट मंथ आया 5 तारीख को, तो कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था, कोई उधर दूसरा टर्मिनल पर कुछ और चेंज कर रखा था, इस बार कुछ और चेंज कर रखा है, हर बार कुछ ना कुछ ये एयरपोर्ट पर चेंजिंग करते रहे, मतलब बाहर कुछ ऐसा लगाए रखे अट्रैक्टिव सा, जा देख के लोगों को अच्छा लगे, ऐसा कुछ लगाए रखे हर बार एयरपोर्ट पे। बस बेल्ट नंबर 5 पे तो पहुंच गया हूँ, अगर बैगेज आ जाएगा तो, बेल्ट नंबर 5 बोला ना उन्हें, हाँ बेल्ट नंबर 5 तो हुए हमारा जो लगेगा, बेल्ट नंबर 5 पे आएगा जो उन्होंने बताया वो। अभी तो बेल्ट नंबर 5 शुरू भी नहीं हुई, सारा पंगा ही हुआ है, मेरी फ्लाइट में सबसे पहले मैं ही आ गया हूँ, अभी तो उन्होंने बेल्ट नंबर 5 स्टार्ट भी ना करी, पता नहीं, तो इस पर औरंगाबाद लिखा हुआ है, अब मुंबई लिखो, औरंगाबाद मुंबई, भाई गलत तो ना आगे, पता ना शायद बोला तो उन्होंने बेल्ट नंबर 5 पे, अभी शुरू ही ना की बेल्ट नंबर 5।